फातिमा नूर, तुम सही थे। क्या? तुम सही थे। मैं अपने पापा की तरह बन रही हूं। फातिमा नूर, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मैं बहुत सोच समझकर बात करने लगी हूं। मैंने सोचा उस बारे में। तुम सही थे, उसने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कुछ भी नहीं किया उसने। मैं कंफ्यूज हो गई हूं। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है अहमद। एक तरफ मैं उसे ढूंढकर उसे गले लगाना चाहती हूँ और दूसरी तरफ उससे मिलकर पूछना चाहती हूँ कि क्यों वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ लेकिन डर लग रहा है कि मुझे अब कौन मिलेगा। पता नहीं मॉम को ये सब कैसे बता पाऊंगी मैं। ओ अहमद, मैं उन्हें और दुख नहीं देना चाहती लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही हूँ। वो जब भी दुखी होती थी इसी जगह आती थी। यहां के बारे में उसने बहुत कुछ बताया था मुझे। ये तारे, ये समंदर और ये किनारा, इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसी को देख रहा हूं। बहुत याद आती है उसकी। काश वो यहां होती। ऐसा लग रहा है मैं उसे धोखा दे रहा हूं। लग रहा है मैं उसे भूल रहा हूं जैसे वो कभी थी ही नहीं। जैसे हमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। उसके मरने के बाद जीना बहुत भारी लग रहा है। काश वो जिंदा होती और मैं मर गया होता। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। हम मिस्टर सदतिन का वेट कर रहे हैं। चाय कॉफी क्या लेंगे आप? चाय चलेगी। 2 कप चाय और मेरे लिए 1 कॉफी। थैंक यू सो मच। मुझे पता चला कि आपकी क्लास में कल चेकिंग हुई थी। गुड मॉर्निंग। मिस्टर सादतिन, आपने रिजान की फैमिली से उस टेस्ट के बारे में बात की थी जो उसके बैग में मिला? जी हाँ। क्या आपको भी इस बारे में पता था? आधा अधूरा। अब मुझे ये जानना है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पता होना चाहिए? ऑफ कोर्स पता होना चाहिए था। आप सही कह रही हैं। लेकिन जब मैं आपके रूम में आया तो आप जा चुकी थी, इसीलिए। आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने हमें इसलिए बुलाया था? एक्सक्यूज मी, मुझे लगा था इस डिस्कशन का सब्जेक्ट रिजाइन होगी लेकिन आप तो
नहीं बिल्कुल नहीं, रेजान की ही बात है। मतलब हम अब उसकी क्या मदद कर सकते हैं या फिर कैसे उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं? मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया मिस्तुर का। मैंने उसकी फैमिली को बताया और उससे भी बात की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये मेरा नहीं है और मुझे नहीं पता इसके अलावा। मिस तिजेन उससे फिर से बात करना चाहती है। मिस्टर महमत उसके क्लास टीचर होने के नाते आपको भी उससे बात करनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? अब देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। हमने सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं की, हमें पहले बच्ची से बात करनी चाहिए थी। ठीक है, फैमिली को बताकर सही किया आपने, लेकिन हमें रिजान से पहले सच जानना चाहिए था। आपने उसकी फैमिली को क्या बताया? मैंने ये बताया कि हमें उसके बैग से टेस्ट किट मिला है और वो ये कह रही है कि वो उसका नहीं है। ओह अच्छा, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। फैमिलीज रिजान और बाकी बच्चों को हमारे भरोसे यहाँ भेजते हैं। बच्चों को उनकी फैमिली ज्यादा सिखाती है या हम सिखाते हैं? अगर किसी बच्चे को स्कूल में कोई दिक्कत है तो उसकी जिम्मेदारी किसे लेनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हम क्या करते? बच्ची का हॉस्पिटल ले जाकर टेस्ट करवाते? क्या करना चाहिए था मुझे समझ नहीं रहा। उसकी फैमिली को बिना बताए? मेरे ख्याल से ये बहुत ही सेंसिटिव इशू था, जितना करना था मैंने किया। मैंने ये नहीं कहा कि हमें खुद सॉल्व कर लेना चाहिए था, हमें पहले पूरी बात समझनी चाहिए थी, उसके बाद ही उसकी फैमिली को बुलाना था। आपकी बातों से लग रहा है कि आपको लगता है रिजान सच में प्रेग्नेंट है, और मैं कह रहा हूं अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अब क्लास में जाकर इस बारे में बात करने से अच्छा हम उसे ऑफिस बुलाते। हम ऐसा भी जरूर करेंगे, लेकिन पहले क्लास से बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है? मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा सबको। एक मिनट रुको, तुम किसे भाई हो? रेजान, रेजान का भाई हूँ, सुना सब लोगों ने? बताओ किसने उसके साथ ऐसा किया? छोड़ूंगा नहीं मैं, मैं उसे जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुम बहुत बहादुर हो बेटा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, चाहो कुछ छोड़ दो। छोड़ो। रुकिए, पुलिस को मना कर दीजिए, हम पहले बात करेंगे। मिस्टर महमत आप ठीक हैं? मुर्शिद आपके हाथ से खून बह रहा है, खून। ओह नो, कोई बैंडेज या कपड़ा दो। समझ गया अरखान, समझ गया, ठीक है। क्या कहा उन्होंने? जब हमने यहां आने की सोची थी तो मैंने वहां के एक पुलिस वाले को नजर रखने के लिए कहा था, उसी का फोन था। इस्तांबुल में कादर के खिलाफ एक बच्ची को अगवा करने की रिपोर्ट दी गई है। चिंता मत करो, हम वो रास्ता ढूंढ लेंगे। हमें उसे बता देना चाहिए। नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे, पहले मैं शादी का ये काम शुरू करवाता हूँ। ओह, आज तुम पार्क नहीं जा रही हो क्या? जा रही है, अपनी प्यारी बच्ची को झूला झुलाऊंगी मैं, है ना? I'm